और बच्चा लोग कैसे हो? होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। होली की तैयारी की है कि नहीं? अगर नहीं की है तो मैं हूं ना, मैं करा देती हूँ आपको फटाफट से तैयारी उसकी, कि रंग खेलने से पहले आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। बच्चों, रंग के बिना रंगों का त्योहार कैसा? भले ही कम या ज्यादा इस त्योहार को खेलना तो बनता है, लेकिन खेलने के बाद हमें पछताना ना पड़े अपनी स्किन को लेकर, अपनी बालों को लेकर, तो पहले से ही उसकी केयर कर लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम करें, अपने नेल्स को कट कर लें और उसके बाद नेल फाइलर से थोड़ा रब करके उनका तीखापन कम कर दें। अब बारी आती है नेल्स पर ही एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा दें, जिससे ये लगेगा कि आपने नेल पेंट नहीं लगाई है, लेकिन नेल्स पर नुकसान नहीं होगा। और हाँ बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ होली मनाइए। नेल्स के आसपास जो स्किन होती है, क्यूटिकल्स हमारे नेल्स के, उस पर आप वैसलीन लगाना बिल्कुल न भूलें। रंग जब इसके अंदर चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, साफ भी नहीं होते और आप नेक्स्ट डे ऑफिस वगैरह नहीं जा सकते, और तो और नुकसान भी हो जाता है, छिल भी जाती है स्किन। तो सबसे पहले तो ये काम कर लें। उसके बाद अगर आपको डार्क नेल पेंट लगानी है इसके बाद, तो आप इस नेल पेंट के ऊपर डार्क नेल पेंट भी लगा लीजिए, और ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। अगर आपके नेल्स बड़े हैं, आप उन्हें नहीं काटना चाहते, तो कोई बात नहीं, नेल्स बड़ों पर ही पीछे से आप नेल पेंट लगा लीजिए, होगा ये आपके नेल्स बिल्कुल सेफ रहेंगे, रंगों का कोई भी नुकसान उन पर नहीं पड़ेगा। बालों के स्कैल्प पर तेल लगाइए, बालों पर नहीं, क्योंकि बालों पर लगा के तेलू बनकर तो जाओगे नहीं। बालों के स्कैल्प पर अगर तेल लगाओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, कलर फौरन निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद बालों को बांध कर चोटी बनाकर जाना है, जिससे क्या होगा, कम से कम नुकसान हो आपके बालों को। इस तरीके से थोड़ी सी अगर सेफ्टी रखेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो बच्चों, नेल्स और बालों की तो सेफ्टी हो गई, अब बाकी है हाथ, पैर, चेहरे, सभी पर आपको एक कोट लगाना है ऑयल का। अगर आपको ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं तो आप क्या करें, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। यहाँ आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या एलमंड ऑयल, जो आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, इस तरह आप सेफ हो जाएंगे कलर के केमिकल से। चलो भाई, तैयारी हो गई, अब मैं तो चली होली खेलने। रुको आंटी, वाइट कपड़ों के साथ? तो क्या हुआ, उसका है ना सलूशन हमारे पास, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए, सबसे पहले व्हाइट कपड़ों पे अगर कलर लग गया है, उन्हें हम साफ कैसे करें वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाल्टी ली है जिसमें पानी डाला है और उसमें डिटर्जेंट डालकर इन कपड़ों को डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद आप रब करके उन्हें साफ कीजिए। रब करके साफ तो किया है, लेकिन व्हाइट कपड़े बिल्कुल पीले हो गए हैं, मतलब उन पर रंग गया है लेकिन पूरी तरीके से कलर नहीं गया है। ऐसे में बहुत बुरा लगता है कि नए नए कपड़े खराब हो गए, अब क्या करें। एक साफ बाल्टी में थोड़ा पानी डाल दीजिए और उसमें आप कोई लिक्विड ब्लीच डाल दीजिए। अब उसको डालने के बाद थोड़ी देर इन कपड़ों को डालकर रख लीजिए। मैं अक्सर इसी तरीके से टॉवल नैपकिन बिल्कुल साफ करती हूँ। तो डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आप देखेंगे आधे घंटे में कपड़े बिल्कुल साफ हो गए। अब उन्हें साफ पानी से धोना बहुत जरूरी है, उसका ब्लीच जो है निकाल देना बहुत जरूरी है। तो उसे हैंगर में लगाकर धूप में सुखा दीजिए, सारे कलर छूमंतर हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई डिटर्जेंट ऐसा नहीं है ब्लीच का, तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, विनेगर डाल सकते हैं, उससे भी कपड़े साफ हो जाते हैं। अब जो टाइलें हमारी खराब हो गई हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले से कुछ नहीं करना है, जो थोड़ा रंग बिगड़ गया है उससे पहले आप साफ कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा डिटर्जेंट, थोड़ा मीठा सोडा और विनेगर डालकर आप फर्श को साफ कर लेंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ आपने होली खेली है। अगर किसी वजह से आपने कोई तैयारी नहीं की, बस ऐसे ही झूम के होली खेल ली है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसे पैक हैं जिन्हें लगाएंगे तो सारे कलर छूमंतर हो जाएंगे। अब बारी आती है हमारे फेस के, चेहरे के कलर अगर ना निकले या जलन हो, आंखों में जलन हो, तो क्या करें, खीरे के स्लाइस कर लीजिए और उसके बाद रोज वाटर में डिप कर लीजिए और आंखों पर लगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया आराम मिलेगा, आंखें जलना बंद हो जाएंगी। किसी वजह से अगर आपके पास खीरा नहीं है तो आप आलू के स्लाइस भी रख सकते हो।
दूसरा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ फेस के लिए, आलू या खीरा उसको घिस लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए, उसी में थोड़ा रोज वाटर मिलाइए, थोड़ा नींबू का रस मिलाइए और बेसन डालकर उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट बना लीजिए। ऐसा करके आप चेहरे पर लगाइए, थोड़ी देर लगा रहने दीजिए, धीरे धीरे सारा कलर भी काट लेगा नींबू और बेसन, आपका चेहरा बिल्कुल सेफ रहेगा और जलन जो थी वो भी खीरा बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है कलर को निकालने का और चेहरे पर ठंडक पहुंचाने का। अगर आपको ये पैक नहीं चाहिए तो एक और सब्स्टिट्यूट देती हूँ, बनाना जो होता है, तो आधा बनाना ले लीजिए और एक प्लेट में रखिए और मैश कर लीजिए, जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं ना फोक से, ऐसे मैश कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हनी, हनी डालने के बाद इसमें डाल दीजिए थोड़ा चंदन का पाउडर। बनाना आपके चेहरे को बिल्कुल टाइट फिट रखेगा, चेहरे में चमक देगा, जो हनी है जो शहद है आपके मॉइस्चराइजर को लॉक कर देगा, और तो और जो चंदन पाउडर है आपके चेहरे को ठंडक देगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस पैक को लगाइए, 20 मिनट बाद आप चेहरा धो लीजिए, कलर भी निकल जाएगा और आप भी हो जाएंगे बिल्कुल सेफ। लास्ट में स्किन पर नहाने के बाद एलोवेरा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जो स्किन में इरिटेशन होता है ना, हम बहुत ज़्यादा रगड़ लेते हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से आप काफ़ी सारी परेशानियों से बचे रहेंगे और होली भी खेलेंगे, इंजॉय भी करेंगे, तब भी कोई परेशानी नहीं आएगी। खाइए, मज़े कीजिए, मौज कीजिए, हैप्पी होली।